हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो, फेसबुक के ऊपर वीडियोस डाल रहे हो लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहा है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल रहे हो बट लेकिन उसके ऊपर जो है आपके ट्रैफिक नहीं आ रहा है, फेसबुक के ऊपर आप लोग अपने वेबसाइट का लिंक वगैरह शेयर करते हो बट वेबसाइट पे विजिटर्स नहीं आ रहे, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी के ऊपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि जो लोग इन सब तरीकों से पैसा कमाते हैं, वीडियो बना के व्यूज के ऊपर पैसा कमाते हैं, फेसबुक के पोस्ट डाल के जो है फेसबुक के रीच इंक्रीज करके फॉलोवर्स बढ़ा के अपने पैसे कमाते हैं, फेसबुक की सेलिंग वगैरह करते हैं, पेज की सेलिंग करते हैं और काफ़ी सारे जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ब्लॉग्स बना के टॉपिक्स डाल के अपने प्रोडक्ट्स को या किसी और के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो आज की इस वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जो ये सारा काम करते हैं और जिनके पास इस तरीके का ट्रैफिक या वॉल्यूम्स उनके वेबसाइट पे या फिर उनके वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और फेसबुक ऐड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस को पब्लिश कर चुके हैं और इसी तरीके की और भी वीडियोस जो हम अपने चैनल पर पब्लिश करते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आप लोगों के पास हर वीडियोज़ का जो है रिकमेंडेशन आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप लोगों के पास। तो अभी हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं किस तरीके से है जो आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो, अगर अर्निंग नहीं कर रहे हो तो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फेसबुक एक नया फीचर लेके आया है जिसके यूज़ करके आप लोग जो है अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो वो कौन सा फीचर है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक चैनल पर डाला था वीडियोज़ की फेसबुक जो है क्रिएटर स्टूडियो को हटाने वाला है और ये अब सही में जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में शो होने लग गया। अगर आप क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीले कलर की पट्टी शो हो जाएगी। मैं अभी अपने लैपटॉप में क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरे को क्या शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये येलो कलर का आ गया। मैंने पहले ही लोगों को बता दिया था अपने वीडियोस के अंदर कि भैया फेसबुक इस तरीके से कुछ एक्शन लेने वाला है और ये कुछ ही वीक में, एक ही दो वीक के अंदर ने फेसबुक से अनाउंस कर दिया कि मेटा बिजनेस सूट के ऊपर क्रिएटर स्टूडियो पूरा का पूरा मूव हो जाएगा। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको एक दो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे रिलेटेड और भी वीडियो जिसको देखनी है वो उस पर जाकर देख सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और बात करते हैं किस तरीके से जो है आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हो और नहीं कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने जाना है मेटा बिजनेस शूट के अंदर। अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी वीडियोस है कोई या फिर आपका जो ब्लॉग के लिंक्स है उनके ऊपर आपको ट्रैफिक इंक्रीज करना है या व्यूज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे फेसबुक एक ऑप्शन लेके आया है। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से सोर्स के थ्रू आ रहा है? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो आता है वो आजकल आता है स्टोरी के थ्रू। स्टोरी के थ्रू आता है, व्हाट्सअप पे आप स्टोरी लगाओगे तो वो देखते हैं लोग, फेसबुक पे लगाओगे तो फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाओगे तो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लिंक्डइन पे लगाओगे तो लिंक्डइन पे देखते हैं। बट लेकिन फेसबुक पे एक ऑप्शन नहीं था, पहले स्टोरी का ऑप्शन तो था बट वहाँ पे एक ऑप्शन नहीं था जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं भेज सकते थे। बट आज ऐसा ऑप्शन आ चुका है फेसबुक के अंदर जिससे कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ को इंक्रीज कर सकते हो। बट शर्त है कि ये है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, ज़्यादा पेजेस मतलब ज़्यादा लोग होने चाहिए, ज़्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए आपके, तभी ये सारा काम आप लोग जो है यहाँ पे कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर। अब मेटा बिजनेस सूट के अंदर कैसे जाना है, बस सिंपल आपने गूगल में सर्च करना है मेटा बिजनेस सूट और उसके ऊपर आप क्लिक करके मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपना फेसबुक, जो भी आपका फेसबुक पेज अकाउंट होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील्स एंड इस तरीके से मैसेजेस को, सारी चीज़ें आप फेसबुक के जो पेजेस है ना वो अब यहाँ से मैनेज कर पाओगे इजीली। कई लोगों को अभी इशू आ रहा है फेसबुक के अंदर कि भैया कैसे पेज के ऊपर जाए, कैसे प्रोफाइल के ऊपर जाए, तो वहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है उसके ऊपर स्विच करके आप अपने पेज के ऊपर जा सकते हो और वहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप मेटा बिजनेस सूट के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो इजीली। फेसबुक जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मूव कर रहा है ताकि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैनेज करो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेटा बिजनेस सूट, मतलब कि फेसबुक के ऊपर जो भी आपके पेजेस आपने बनाए हुए हैं वो सारे इतने यहाँ से मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आपने किसी और के पेज का एक्सेस लिया है तो वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया मेटा बिजनेस सूट के बारे में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक मोर का ऑप्शन दिख रहा है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है। अब क्रिएट स्टोरी पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड मीडिया पे जाओगे। मैं यहाँ पे आज लोरी है, लोरी की पोस्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने लोरी की पोस्ट लगा दी। इसी तरीके से मैं अपने यूट्यूब का थंबनेल अगर मैंने बनाया तो वो डाल सकता हूँ, कोई क्लिप्स मैंने एडिट करी है तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और यहाँ से आपको क्रॉप करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, टेक्स्ट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, स्टिकर का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे एडवांस जो बढ़िया फीचर है वो ये है स्वाइप अप लिंक का। अब स्वाइप अप लिंक के ऊपर क्या कर सकते हो, आप अपने
किसी भी लिंक का, मतलब जिसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते हो उसका लिंक लगा सकते हो। सपोज कि मैं क्रिएटर स्टूडियो का एग्जांपल लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसको ऐड ऑन किया, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने डेमो आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वर्क करेंगी। जस्ट एक सेकेंड, ये लोडिंग हो रहा है। अब लोडिंग होते ही यहाँ पे देखिए सी मोर का ऑप्शन आ गया। स्वाइप अप करेंगे तो इस तरीके से जो है ये लिंक क्लिक हो जाएगा और आप वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। तो अब आप इसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं नाउ, या फिर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो बाद के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है फेसबुक आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हो। अर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है जब वो अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज के अंदर हाथ मारते हैं, बट लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि भैया बंदे कैसे लेके आए, विजिटर्स कैसे लेके आए। चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हो या वेबसाइट हो या कोई शॉप हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपके पास ऑडियंस आनी चाहिए, तभी आप लोग जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ये एक सोर्स है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो अब जाइए अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर और चेक करिए ये ऑप्शन, ट्राई करिए आज ही इस फीचर को और इंक्रीज करिए अपने वेबसाइट के ट्रैफिक। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड जिन लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या फिर इस तरीके के चीज़ें करने में कोई भी इशू आता है तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। हमने कई सारे लोगों से इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर उनकी हेल्प करी है और टीम व्यूवर से एनीडेस्क से उनकी हेल्प करी है। तो अगर आप लोगों के पास कोई इशू आ रहा है तो कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आपके इशू को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।